हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आबिद एके एंड वेलकम टू टेक्सोर। यहाँ पे अगर आपके फोन में गूगल फोन की एप्लीकेशन चल नहीं रही है, ओपन नहीं हो रही है या फिर दूसरी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे मैं आपको उसका सलूशन बताऊंगा। वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहली प्रॉब्लम होती क्या है, हमें कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो उसमें बग्स होते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने किसी भी ब्राउज़र में चले जाना है, तो यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउज़र में चले जाता हूँ। यहाँ पर आपको टाइप करना है गूगल फोन और यहाँ पर आपको अप टू डाउन ओल्डर वर्जन ऐसा लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपको अप टू डाउन की वेबसाइट मिलती है और गूगल फोन पे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आपको इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत सारे आपको ओल्डर वर्जन दिख जाते हैं, तो आपको कोई भी ये लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है लेटेस्ट वर्जन में ही प्रॉब्लम हो, तो आपको कोई भी पुराना वर्जन यहाँ से ले लेना है। जैसे मैं ये ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इसे डाउनलोड आप कर लीजिएगा, तो यहाँ पर मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने इसे डाउनलोड किया हुआ है, तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कीजिए। लेकिन डाउनलोड करिए, बट आपको पहले जो अपने पुराना वाला है उसको आप उसको इंस्टॉल कर दीजिए, उसके बाद ही इसे इंस्टॉल कीजिए, नहीं तो आपको ऐप नॉट इंस्टॉल्ड का एरर आएगा। तो आप पहले उसे इंस्टॉल कीजिए, फिर उसके बाद इसे इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। अब आप देखिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या फिर नहीं। अब यहाँ पे उसके बाद आपको अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन मैनेजर में आपको जाना है, तो यहाँ मेरा एप्लीकेशन मैनेजर मोर सेटिंग्स के अंदर है। ये रहा एप्लीकेशन मैनेजर, इसको कर लेते हैं ओपन। जल्दी से आप चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद यहाँ पर हमें गूगल फोन की एप्लीकेशन ढूंढ लेनी है। हाँ, तो ये रही गूगल फोन की एप्लीकेशन हमारी, इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर हमें फोर स्टॉप कर देना है, यहाँ पे स्टोरेज में क्लिक कर लेना है, यहाँ से कर लेना है हमें सबसे पहले क्लियर कैचे। क्लियर डेटा आप कर दीजिए, बेफिक्र हो कि कोई डेटा आपका डिलीट नहीं होने वाला है। यहाँ से बैक आ जाइए। क्लियर डेटा करने के बाद आपकी परमिशंस डिसेबल हो जाती है, तो सारी परमिशंस आपको यहाँ पर इनेबल करनी है। अगर सारी परमिशंस ऑन है ऑलरेडी, तो एक बार ऑफ करके वापस से यहाँ पर आपको ऑन कर देना है। उसके बाद आपको आ जाना है बैक, पूरी तरीके से बैक आ जाइए। उसके बाद आपको पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके अपने फोन को यहाँ से कर लेना है रिबूट। उसके बाद जब आपका फोन वापस से ऑन होगा, तो आपको अपने गूगल फोन की एप्लीकेशन को ओपन करके देखना है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या फिर नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको उसका सलूशन बताऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।